दिल्ली से सोनिया जी, स्वागत है आपका। नमस्कार किंतु आदाब। नमस्कार जी। आदाब। आदाब। हाँ जी आदाब सोनिया नमस्कार। जी, हाँ जी सवाल। किंतु आप, मेरे दो सवाल हैं। मुझे एक तो अपनी उनके लिए पूछना है जिसकी एज 46 इयर्स है और उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है काफी सालों से, और दूसरी बात को आजकल अभी कुछ समय से उसको मुंह में लार नहीं बनती है, मतलब मुंह ड्राई ड्राई रहता है, तो उसके लिए कुछ बताइए। और दूसरा सवाल ये है कि हम दोनों को ही वीट एलर्जी है, मतलब एज एन गेहूँ खाने से शरीर में ब्लोटिंग होती है, जैसे गैस, या मतलब वैसे कह सकते हैं कि शरीर में थोड़ा सूजन आ जाती है, तो उस केस में कभी ओट्स या कोई और चीज मतलब सब्स्टिट्यूट लेना पड़ता है। वीट नहीं खा सकते, गेहूँ नहीं खा सकते हैं। हाँ देखिए तो हाँ जी 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 बोलिए, और कुछ कहना है? जी, मतलब बाल 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 तो वही कॉमन प्रॉब्लम है कि बाल बहुत घने नहीं है, पतले बाल हैं, बढ़ते नहीं है, और थायराइड की वजह से मैंने पहले भी बात की थी, जिसके लिए भी आपने मुझे बता दिया था ट्रीटमेंट, बट उससे मतलब इन सब चीज़ों से बालों की रिलेशन, जैसे कि मैंने अभी पिछले हफ्ते कॉल करके आपसे मैंने अपने लिए बात की थी, मेरे घुटनों में कार्टिलेज की प्रॉब्लम है, मतलब कार्टिलेज कम हो रहा है और स्टिफनेस है बॉडी में, तो आपने मुझे उसके लिए बताया, जिसका अभी इलाज शुरू नहीं किया है, वो मुझे अभी मंगवाना है, तो मेरे को बेसिकली आज कॉल कनेक्ट हुई तो अपनी सिस्टर से जानना था। ठीक है, मुझे याद है। फिर जी हाँ जी मुझे याद है, और अगर आप नहीं कहती तो मैं कहता कि आपने पहले भी मुझे फ़ोन किया था और मैंने आपको इलाज बताया था। मैंने आपसे कहा था कि आप अपने थायराइड का इलाज कर लें, तो बाकी बालों की परेशानी या एलर्जी की परेशानी आपकी खुद भी जा सकती है। और उसके लिए जो नुस्खा बताया था मैंने आपको, वो ये था कि धनिया 300 ग्राम, और आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, ठीक है, और इसमें गौन मोरिंगा सफ़ेद आता है, ये सफ़ेद ही लेना, लाल वाला नकली होता है, इसका 100 ग्राम ये लें, पाउडर बना के 1-1 चम्मच सुबह शाम खाएं, और वो गोली भी खाते रहें जो डॉक्टर की आप खाते हैं थायराइड के लिए। इससे आपके ये सारे मर्ज ठीक हो सकते हैं, हाजमा भी बेहतर होगा इससे, और इससे मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म आपका सही होगा, पेट का निज़ाम सही होगा, हो सकता है इसी से एलर्जी चली जाए, क्योंकि ये भी एक एलर्जी ही है जो हमारा थायराइड बढ़ जाता है। अच्छा, उसके लिए जो कार्टिलेट की बात किया आपने, उसके लिए बहुत आसान इलाज है, अगर गौनसिया मिल जाए तो आधा आधा ग्राम लें, लेकिन असली लें, इनमें नकली का बड़ा चक्कर है हमारे यहाँ, कड़वा होता है ये, लेकिन बेहतरीन चीज़ है, दुनिया की बेहतरीन चीज़ है, मिलता मुश्किल से है या नकली मिल जाता है, इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब मेरे ख्याल से तो ये नुस्खे काफ़ी है, और ये कोई रोग होता है तो उसका असर हमारे पेट पर होता है, तो ये रोग मुक्त हो जाएंगे तो आपका ये परेशानी खुद भी जा सकती है, नहीं तो पेट के लिए आप दोनों के लिए एक और नुस्खा भी बता सकता हूँ, लेकिन आप इलाज शुरू करें, फिर कांटेक्ट करते रहें हमसे, कांटेक्ट करते रहेंगे तो हमसे भी बात ना हो सके तो कभी नहीं मिल पाता फ़ोन, तो हमारे डॉक्टर एक आपसे बात करेंगे और वो आपकी पूरी फाइल बना के रखते हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे। पटियाला से जसपाल सिंह हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, बोलिए आदाब। सवाल करिए। मैं पटियाला से बोल रहा हूँ, मेरी उम्र 67 साल है, ठीक है। मेरी शुगर बहुत डाउन हो जाती है, 65-60 पर। ठीक शुगर को मेंटेन करने का कोई फार्मूला बताना। हाँ जसपाल सिंह जी, ये रोग लाखों में एक को होता है, और ये अजीब सा शुगर का मर्ज है कि इसमें शुगर कम होती है। ऐसे लोग अपने साथ जहाँ भी हों उनके साथ कुछ ऐसा ज़रूर खाने का होना चाहिए जो बहुत मीठा हो, चाहे बिस्किट्स ही हो या शक्कर ही हो, ऐसे लोग और भी ज़्यादा ख़तरे में हैं। और शुगर का देखिए, इस शुगर का इलाज है खाना पीना, मीठा खाना पीना, ये अजीब सा रोग है, और ये आप करिए और खूब जम के खाया करिए, ये तो
ऐसा लोगों का यानी मर्ज है, जो नवाब लोग होते हैं, रईस लोग होते हैं, खाओ पियो और सेहतमंद रहो। यहाँ तक कि आपको रात को भी अगर सोया करें तो आपने सराहने पर बिस्कुट रख लिया करें, और आपके बच्चों में से या जो भी घर में जिम्मेदार हो वो रात को आपको फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि शुगर कम होने से हम कभी भी कोमे में जा सकते हैं। और कभी ऐसी नौबत अगर आ जाए, क्योंकि लाखों लोग सुन रहे हैं, तो मैं बता दूं कि सबसे पहले शक्कर घोल के उनके मुंह में किसी तरह डाली जाए, और यही इलाज है। आप परेशान ना हो, जब कभी ऐसा हो जाए कि आप कोमे में चले जाएं, बेहोश हो जाएं, तो सबसे पहले शुगर घुली हुई आपके पेट में जाएगी, तो आप फौरन होश में आ जाते हैं। बिल्कुल, तो मतलब हकीम साहब, शुगर भी दो तरह की होती है, एक तो वो शुगर जिसमें व्यक्ति मीठी चीज़ छू ही नहीं सकता है, और एक वो शुगर जिसमें वो मीठे के बिना अगर रह जाएगा तो वो कोमे तक में जा सकता है, मतलब उसे कोमा मतलब अपने चारों तरफ अपने आप को घेर सकता है। अभी ये होता कम है, बहुत जी लाखों में किसी को होता है। अब इसमें क्या होता है कि इंसुलिन इस कदर बनने लगती है कि जो खाओ उसे ही नष्ट कर देती है मीठे को। तो हमारे जिस्म में दरअसल बीमारी है क्या, हमारे जिस्म में बीमारी यह है कि हर चीज़ की एक लिमिट है, वो लिमिट या तो कम हो या ज़्यादा हो तो हम बीमार हैं, वो एक लिमिट में हो तो हम ठीक हैं। हमारे ज़िंदगी में हर जगह पर एक लिमिट होनी चाहिए, घर में भी एक लिमिट है, सब रिश्तों की अहमियत है, बाप से एक लिमिट है, बीवी से एक लिमिट है, तो पत्नी से एक लिमिट है, तो भाई से एक लिमिट है, वो दायरा अगर कोई क्रॉस करेगा तो उसको नुकसानात हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले कॉलर से, दिल्ली से हैं अनीता हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी। हेलो जी अनीता जी, बताइए, सवाल करिए। हाँ जी जी, मुझे ये पूछना था, मैंने एफ केयर मंगवाई है अपने हस्बैंड के लिए, तो उनको देने में, उनको ले ये थोड़ा लेने में ना थोड़ा उनको डर सा लग रहा है कि कहीं कुछ ठीक है। हाँ जी, तो ये पूछना था कि जिसे कि इसको लेने से कोई जब वो तो साइड इफेक्ट या कुछ हो तो नहीं हो जाएगा जैसे। हाँ देखिए, आपकी चिंता तो जायज है, लेकिन ये जो दवाइयाँ बनती ना किसी FDA के रूल्स के मुताबिक बनती हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी बना के इसको, जैसे मैंने उसके बताया था आप बना लें, तो उसका बाकायदा जांच होती है, उसके बाद ये बनती हैं। इनके रिज़ल्ट होते हैं, क्लिनिकल टेस्ट होते हैं इनके काफ़ी लोगों पर, उसके बाद ये फार्मूले आपके सामने आते हैं। तो ये मैं, आप तो खैर समझती होंगी लेकिन बहुत सारे लोग सुन रहे हैं इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। तो ये नुकसान से पाक होती है, नुकसान कभी नहीं करते, आप इसे ले सकते हैं, घबराए नहीं, और थोड़ा भोजन उनका कम करा दीजिए पति देव का अपने, आप चार रोटी होती हैं तो दो रोटी खाया करें, 5 बार गर्म पानी पिया करें, 1 घंटे चला करें धूप में, और ये शुरू करें, और डॉक्टर को फॉलो करें, जो डॉक्टर ने आपको ये दवा भेजी है उनको फॉलो करते रहें। वो डाइट चार्ट भी ले लें आप उनसे, डाइट चार्ट आपको देंगे, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कितना खाना है, तो बहुत जल्द आपके पतिदेव का वेट आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो सकता है। जी, अगले कॉलर गुरविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हेलो हेलो चलिए शायद आपसे कांटेक्ट हमारा टूट गया है। गुरविंदर जी, आपसे कहना चाहूँगी, अगर कार्यक्रम में कॉल दोबारा नहीं लग पाता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एक पूरी टीम बैठी हुई है। बात करें अगर खून ना बनने के बारे में हकीम साहब, तो जिन लोगों के शरीर में खून नहीं बन पाता है, कारण क्या है? देखिए, मेन कारण तो एक ही होता है कि लीवर अपना काम ठीक से अंजाम नहीं दे रहा। जी, तो अक्सर हम लीवर का जिम्मेदारी ऐसी दवाएं देते हैं जो लीवर के फैटी हो गया है, लीवर सूज गया है, बड़ा हो गया है, अक्सर ऐसा होता है। तो लीवर की तकलीफें दूर कर दो तो बेशतर लोगों को खून बनने लगता है। कई और वजूहात भी हो सकती है लेकिन ये मेन वजह होती है। चलिए इसी के साथ कुछ और कॉलर, अंबाला से हैं, बाला हमारे साथ, स्वागत है आपका। पंडित
बताइए बालाजी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। आदाब। हाँ जी मैं डॉक्टर साहब के से बात कर सकती हूँ? जी जी आप मुझसे बात कर रही हैं आदावर। हाँ जी जी आदावर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ डॉक्टर मैं आपकी बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ और बहुत लोगों को आपका ट्रीटमेंट बताती हूँ और मुझे ये पूछना था ऑलिव सिरका कहीं से नहीं मिल रहा, वो कहाँ से मिलेगा ऑलिव रसायन और ऑलिव सिरका जैतून का सिरका? ठीक है अच्छा ये बड़े दुकानदार रखते हैं, आपके यहाँ कोई बड़े दुकानदार होंगे तो वो आपको दे सकते हैं या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर से आप कांटेक्ट करें, आपके यहाँ कहाँ मिलता है वो भी बता देंगे या अगर हमारे पास होगा तो हम भी आपको भेज सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन बड़े लोग बड़े दुकानदार रखते हैं जो ये 100-200 रुपए की चीज़ रखते हैं ये बिल्कुल नहीं रखते क्योंकि ये सस्ती चीज़ें रखते हैं, महंगी नहीं रखते। तो आप हमारे यहाँ भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर से आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। तो दर्शकों देखिए बालाजी की तरह ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो हकीम साहब के नुस्खे खुद भी अपनाते हैं, लोगों तक भी पहुंचाते हैं क्योंकि फायदे इनके बहुत अच्छे देखे जाते हैं। ऐसे ही नहीं आप लोगों को कहा जाता है कि हमारे साथ जुड़िए, घरेलू नुस्खे अपनाइए, यूनानी से जुड़िए, आयुर्वेद से जुड़िए, क्योंकि इसके चमत्कारिक प्रभाव चमत्कारिक लाभ दर्शकों देखे गए हैं क्योंकि जब आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं जो आप लोगों को हकीम साहब यहाँ पे बताते हैं, एक एक बात आप लोग ध्यान में रखते हैं तो आप रोग मुक्त हो सकते हैं। ये नहीं कि आप लोगों को दवाइयां खानी है, ये नहीं कि आप लोगों को अब ऑपरेशन कराना होगा, ऑपरेशन से आप लोगों को बचाना चाहते हैं, दवाइयों से आप लोगों को हम बचाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हिम्मत करनी होगी क्योंकि हम तो एक हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक ही चीज पर निर्भर रहना होगा, वो है दवाइयां। फिर आप जीवन भर दवाइयां खाते रह जाएंगे। बाकी लाइव कार्यक्रम है, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, नुस्खे बेहतरीन जानना चाहते हैं, फोन ये नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका कपिल जी। स्वागत है आपका कपिल सैनी। चलिए ठीक है, सवाल आपका। वो मेरी मम्मी के शुगर रहते हैं, उसके लिए क्या उपाय करें? एज क्या है मम्मी की? 45 जी। मम्मी सुन रही हैं आपकी अगर तो बहुत अच्छा है, आप सुन रहे हैं तो लिखना पड़ेगा, गलती मत करें। शुगर वालों को खाने पीने की एहतियात तो पता ही होगी कपिल साहब आपको, अब आप बच्चे हैं या आवाज़ मुझे आपकी बच्चों जैसी लगती है, बाहर प्यारी आवाज़ है आपकी। 5 बार गर्म पानी मम्मी को पिलाया करें और 1 घंटा धूप में चलने को कहें रोज़ाना, एक साथ नहीं चल सकती तो थोड़ा थोड़ा करके चलें, कम कम करके चलें, लेकिन 1 घंटा धूप में चलना ज़रूरी है। इससे भी बहुत शुगर कंट्रोल होती है और डाइट प्लान तो होता ही है शुगर वाले के पास, और जो दवा खाते हैं वो खाते रहें। और जैतून का सिरका आता है, जैतून का सिरका 3 चम्मच 1 टाइम या 2 टाइम खाने के बाद पानी में मिलाकर रोज दिया करें, आपकी मम्मी बहुत सेहत की ज़िंदगी बसर करेंगी और डायबिटीज़ उनकी स्थिर रहेगी, वो दवा भी खाते रहें जो वो खाते हैं। जी पंजाब से अगले कॉलर हैं गुरविंदर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मेरा नाम गुरविंदर सिंह है, जलंधर से बोल रहे हैं। हाँ जी तो मैडम मेरे है ना तेजाबिया बांधा जी। गुरविंदर जी आपकी आवाज़ ना हम तक अच्छे से नहीं आ पा रही है, आप अच्छे से बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए मैडम। जो भी आप खाई दा ना कुछ तेजाबिया बन जाता जी। आप पंजाबी में बात कर रहे हैं, आपकी पंजाबी हम तक समझ नहीं आ पा रही है, हिंदी में बात कर सकते हैं आप? हाँ जी हाँ जी। चलिए हिंदी में बात करके सवाल करिए। मैडम जो भी खाई का कुछ है ना एसिडिटी जी बन जाती है जी। एसिडिटी? हाँ जी तेजाब बन जाता जी। आपकी एज कितनी है भाई? मैं सर 26। अरे बहुत कम उम्र है भैया आपकी तो, इतनी उम्र में आपको एसिडिटी बन जाती, बड़ी फिक्र की बात है।
बहरहाल 5 बार गर्म पानी से भी एसिडिटी से छुटकारा मिल सकता है। 5 बार खूब गर्म पानी चाय की तरह पिया करें, चुस्कियाँ लेके 1 घंटा पैदल चलने से भी आप ठीक हो सकते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा परेशानी है तो फिर आप एक नुस्खा बना लें खुद ही। देखिए मैं हिंदी में बोलता हूँ, आप पंजाबी में लिखो क्या बोलते हैं इसको। देखिए सौंफ, धनिया, आंवला 200-200 ग्राम लें, और 200 ग्राम लें मेथी। सौंफ, धनिया, आंवला, मेथी 200-200 ग्राम, और 100 ग्राम लेना है जैतून का नमक। ये रसायन जैतून कहलाता है, एस्टेक जैतून इंग्लिश में कहते हैं। ये देखने में नमक जैसा और जायके में नमक जैसा नहीं होता। इसको मैं 100 ग्राम मिला दें, पाउडर बनाएं घर में। इससे एक आप एक दवा बनाना सीखेंगे, और आधा आधा चम्मच सुबह शाम या लिया करें, और दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।